नमस्कार, मैं सोम सिंह, आप देख रहे हैं बीपीटीएम बुलेटिन। आज की बड़ी खबर, बिहार के राजधानी पर जब प्रधानमंत्री जी आप स्वतंत्र दिवस के दिन तिरंगा फहराते हैं तो देश का किसान भी इस बार एक बार परेड करेगा और दुनिया देखेगी कि देश के जवान, देश के किसानों के साथ मोदी सरकार कितना अन्याय कर रही है। और हम देश को दिखाना चाहते हैं, एक तरफ जवान परेड करेगा, एक तरफ किसान परेड करेगा और तब यह मोदी सरकार की आंख खुलेगी। जो यह आंख पर पट्टी बंधी है मोदी सरकार की, इस आंख के पट्टी को खोलना है और यह मोदी सरकार को जोरदार तमाचा मारना है ताकि देखिए दिल्ली पुलिस नहीं मना किया है, यह सरकार ने मना किया है कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने सरकार पे उंगलियां उठे इसलिए दिल्ली पुलिस के पलरे में यह गेंद को फेंक दिए। लेकिन फिर भी पहले से हमारा निर्णय हो चुका है, 26 तारीख को, 26 जनवरी को हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे, ट्रैक्टर से परेड करेंगे, क्योंकि हम पे इल्जाम लगा था कि ये किसान नहीं है, पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है, तो हम 26 तारीख को अपना देशभक्ति दिखाएंगे और ये मोदी सरकार को बता देंगे हमारी ताकत क्या है, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। और 26 तारीख को निश्चित रूप से हम लोग रिंग रोड पर परेड करेंगे, तिरंगा यात्रा निकालेंगे। किसी को रोकने से हम नहीं रुकेंगे, रोकने का एक ही तरीका है, किसानों की मांग पूरी हो। आज 12वीं बैठक है, दुर्भाग्य इस बात का है कि आज भी लग रहा है कि निर्णय नहीं निकलेगा। इसलिए निर्णय नहीं निकलेगा क्योंकि यह सरकार किसानों की समस्याओं को हल नहीं करना चाहती है। अगर किसानों की समस्याओं का हल करना चाहती तो आज निर्णय निकल जाना चाहिए था। इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि यह पूंजीपतियों से साठ घाट सरकार कर चुकी है कि हम आपको किसानों के खेतों को, अनाजों को औने पौने में खरीदने का कानून बना दिए हैं। आप खरीदिए जैसे मर्जी तैसे और जैसे मर्जी तैसे बेचिए। देश के ना आम नागरिकों के बारे में सोच रही है सरकार और ना ही किसानों के बारे में सोच रही है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये कृषि कानून रद्द हो। बहुत अच्छी इन्होंने बात कही, इस कानून से जितना किसानों को नुकसान नहीं है उससे 10 गुना ज्यादा इस देश के गरीब आदमी को नुकसान है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसान अनाज उगाता है तो हमको 20 से 25 रुपए किलो मार्केट में चावल मिल जाता है, और वही कॉरपोरेट घराने के लोग वही चावल को मॉल में बेचते हैं तो 100 रुपए किलो बेचते हैं। किसान आलू उपजाता है तो मार्केट से हमको 10-15 रुपए किलो मिल जाता है। अगर यही चावल और आलू को कॉरपोरेट घराने के लोग जब बेचना शुरू करेंगे तो 100 रुपए किलो आलू बिकेगा और 200 रुपए चावल बिकेगा। इसलिए इस कानून को हम कॉरपोरेट घरानों में जाने नहीं देना चाहते हैं, किसानों के पल्ले में रखना चाहते हैं, इसलिए उनके साथ पूरा देश खड़ा है। और सरकार को चाहिए भी कि घमंड तोड़कर किसानों की मांग पूरी करने के लिए, अगर नहीं पूरी करेगी तो ऐसा होगा एक दिन, एक भोजपुरी में कहावत है कि पुलिस ने चोर को पकड़ के लाया थाना में, और पुलिस जब चोर से पूछा कि तुम 10 प्याज खाओगे या 10 चप्पल खाओगे, 10 जूता खाओगे, तो चोर ने कहा कि हम 10 प्याज खाएंगे। जब 10 प्याज खाने लगा तो 5 प्याज खाने के बाद उसको तीत लगने लगा, तीता, तो बोल रहा हमको तीता लग रहा, हम प्याज नहीं खाएंगे, जूता खाएंगे। तो फिर जूता भी खाया, प्याज भी खाया। उसी तरीके से ये मोदी सरकार और ये भाजपा सरकार के साथ होने वाली है, कृषि कानून भी रद्द होगा और सरकार का, मोदी सरकार का इज्जत भी गिरेगा। इसलिए मोदी जी आप अपना इज्जत बचाना चाहते हैं तो कृषि कानून को आज रद्द कर दीजिए, नहीं तो वही हाल होगा, चोर वाला प्याज भी खाया, जूता भी खाया। उसी तरीके से कृषि कानून भी रद्द होगा और मोदी जी पूरे देश में आपका बदनामी भी होगा। देखिए सरकार ये 1.5 साल के लिए स्थगित नहीं किया है, बल्कि मुद्दा को, किसान आंदोलन को भटकाने के लिए ये लॉलीपॉप भेजी है सरकार। लेकिन इस लॉलीपॉप को हम नहीं मानते हैं। इस सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं और सरकार कह रही है कि 3 साल के लिए, 1.5 साल के लिए कृषि कानून रद्द हो गया, ये रद्द नहीं हुआ है, पेंडिंग नहीं किया गया है, स्टे नहीं किया गया है, बल्कि किसानों को लॉलीपॉप भेजा गया है कि किसी तरीके से ये आंदोलन खत्म हो जाए, किसान अपने अपने घर चले जाए। लेकिन हम इतना बेवकूफ नहीं है मोदी जी, आपके बातों में हम नहीं आए, क्योंकि 2014 में भी आपके बातों में आकर वोट दे दिया और 2019 में भी दे दिया, और तुमने ऐसा क्या हाल किया कि हम रोड पर खड़ा हो गए। इसलिए तुम जिस तरीके से यह कृषि कानून रद्द, कानून बनाए थे लोकसभा में, उसी तरीके से यह कृषि कानून को रद्द करने के लिए कानून बनाओ और एमएसपी पे खरीदने के लिए इस पे भी कानून बनाओ। इस 1.5 साल के स्टे को हम नहीं मानते हैं, तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता है, क्योंकि हम किस पे भरोसा करेंगे, उस कमेटी पे भरोसा करेंगे, जो कमेटी, वही कमेटी के लोग, जो 4 लोग थे, एक लोग तो छोड़िए बाहर चले गए कमेटी से,
तीन लोग पहले से उनके ही कहने पर, उनके भी आग्रह पर, उनके ही सलाह पर ये मोदी सरकार कानून लाई है, और फिर उस उनके बात मानेंगे, वो किसानों की बात करेंगे जो ये पहले किसानों के पक्षधर में थे। इसलिए हम इस कमेटी को नहीं मानते हैं, और इस डेढ़ साल के फिर से नई कमेटी बनाने की बात नहीं, कमेटी में कौन रहता है, सरकार के लोग रहते हैं कमेटी में। अगर किसान के किसान नेता रहेंगे, कृषि जो खेती करते हैं वो रहेंगे, और वो देश की बात सोचेंगे, वो किसानों के बारे में सोचेंगे, जो सरकार के लोग हैं, सरकार के चमचे हैं, वो सरकार के आदमी हैं, वो कभी सरकार को छोड़कर किसानों के बारे में सोचेंगे, कभी नहीं सोचेंगे। इसलिए हम लोगों ने पहले भी ऐलान कर दिया है कि हम तुम स्टे लगा लो नहीं मानेंगे, तुम संशोधन कर दो नहीं मानेंगे, तुम हमको बेवकूफ बना लो नहीं मानेंगे। हम तभी मानेंगे जब ये कृषि कानून रद्द होगा, तीनों कानून रद्द होगा और MSP पे कानून बनेगा, तभी हमारी मांग पूरी होगी, तभी हम घर जाएंगे। और हम घर जाने वाले नहीं है, क्योंकि कृषि कानून रद्द होगा, किसान के कृषि कानून वापसी, तब घर वापसी। बीच का रास्ता कैसे निकल रहा है? बीच के रास्ता क्या, बीच के रास्ता सरकार नहीं निकालना चाह रही है, बीच के रास्ता सरकार निकालना नहीं चाह रही है। अगर बीच का रास्ता सरकार निकालती तो किसानों की जो मांग थी उसको पूरी कर देती। अरे भाई, बीच का रास्ता क्यों निकालना चाहते हो, जब किसान कह रहे हैं कि बीच का रास्ता नहीं है, हमारा एक ही रास्ता है, एक ही मांग है, तीनों कृषि कानून रद्द, MSP कानून, तो किसानों की बात क्यों नहीं मान रहे? किसान जब बीच का रास्ता मांग करेंगे तभी तो आप बीच का रास्ता निकालेंगे। देखिए मोदी जी, किसानों को बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए, देश की जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए, देश की जनता अब आपके बहकावे में नहीं आने वाली है। सीधे सीधे तौर से हमारा मांग है, कृषि कानून रद्द करो, MSP पे कानून बनाओ। अगर नहीं बनाओगे तो इसी तरीके से धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा, और 26 तारीख को हम लोग पहुंचने वाले हैं। मोदी जी घबराओ मत, 26 तारीख की तैयारी है हमारे सारे किसान भाई, और सारे जितने भी हमारे देश प्रेमी हैं, जो देशभक्त हैं, सभी लोग इस रैली में भाग लेंगे, और सभी लोग पहुंचेंगे लाल किले पे, और महिलाएं भी पहुंचेंगी, बहनें भी पहुंचेंगी, माताएं भी पहुंचेंगी, सारी महिलाएं जाएंगी इस रैली में और इसको पूर्ण रूप से समर्थन देंगी। तो महिलाएं ट्रैक्टर चलाकर भी जाने वाली, ट्रैक्टर चला के भी जाएंगी, ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के भी जाएंगी, साथ में जाएंगे, और सब भाई जाएंगे। इस किसान आंदोलन को संख्या जन आंदोलन में बदल देना है, ये किसान आंदोलन नहीं है। संख्या इतनी होगी कि चाय वाले को गिनती भी नहीं आती, इतनी संख्या होगी। वाह, शानदार। हाँ, मैं ट्रैक्टर चला के, हाँ मैं चला लेती हूँ, मैं भी किसान परिवार से ही हूँ, और हमारी किसानों की लड़कियाँ जितनी कामयाब है ना, इतनी चाय वालों के घरों में तो कोई ऐसी लड़की भी नहीं है। इनकी तो माँ भी शर्मिंदा होगी, इन्हें पैदा करके जो इसने हाल करा है। हमारा अन्नदाता जो है आज सड़कों पर पड़ा है, कितना परेशान है, लेकिन चंद पूंजीपतियों की दलाली की वजह से ये नरेंद्र बाबू इस कानून को वापस लेने को तैयार नहीं है। बिल वापसी, घर वापसी, और एक बार बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और आपने एक, प्रतिभा सिंह, आपने एक बात कही कि कितने संख्या रहेंगे, 1,00,000 ट्रैक्टर और 1,00,00,000 लोग दिल्ली पहुंचेंगे 26 तारीख को, और आप देख लीजिएगा देश के तमाम हिस्सों से, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, जयपुर, मध्य प्रदेश, बिहार, UP, तमाम जगहों से लोग, 1,00,000 ट्रैक्टर और 1,00,00,000 लोग पहुंचेंगे, तब यह गुंगी बहरी सरकार, कॉरपोरेट घरानों की सरकार, अडानी और अंबानी की सरकार, दलालों की सरकार, मोदी सरकार की आंख खुलेगी, और इसी दिन कृषि कानून रद्द होगा। फिर उनके जो कार्यकर्ता हैं बार बार टीवी चैनलों पर आके क्यों कह रहे हैं कि जरूर थोड़ी की जाके दिल्ली में ही आप मतलब देशभक्ति दिखा सकते हैं? क्यों नहीं, देश की राजधानी देश की राजधानी दिल्ली है, और देश के राजधानी पर जब प्रधानमंत्री जी आप स्वतंत्र दिवस के दिन तिरंगा फहराते हैं, तो देश का किसान भी इस बार एक बार परेड करेगा, और दुनिया देखेगी कि देश के किसानों के साथ मोदी सरकार कितना अन्याय कर रही है, और हम देश को दिखाना चाहते हैं। एक तरफ जवान परेड करेगा, एक तरफ किसान परेड करेगा, और तब यह मोदी सरकार की आंख खुलेगी। जो यह आंख पर पट्टी बंधी है मोदी सरकार की, इस आंख के पट्टी को खोलना है, और यह मोदी सरकार को जोरदार तमाचा मारना है, ताकि मोदी सरकार को हमेशा याद रहे। जय किसान। मेरा नाम श्री पल्ले राम है जी। दिल्ली जाऊंगा, जाऊंगा अगर गोली लगेगी तो, जब भी दिल्ली जाऊंगा, और गोली भी लगेगी तो सीने में लगेगी, पीठ में गोली लगेगी। जितने गुजराती सारे देशद्रोही हैं,
एक भी आदमी इनका आपको मिलेगा नहीं जो देशभक्त हो। ठीक है, अच्छा आप ये एक बात बताइए कि आप जो है काफी एज हो गया आपका, उधर से सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको घर जाना चाहिए, ठंड लग जाएगी आपको। हम किसान, हमको ठंड नहीं लगती ना हमको धूप लगती, हमको सिर्फ तीन कानून लग रहे, हम इनको वापसी हटाएंगे। वे उनको हमारे किसान है, देख भाई कौन से को ठंड लग रही, वे तो एसी में गर्म कर के सोवे। देश का किसान है, दलाल नहीं है। हाँ, दलाल ये देश का किसान है। सर्दी और गर्मी दलालों को लगती है। हाँ। और ये है किसान एकता। हमें तो ओले भी नहीं लगे ना हमको ओले लगे। मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, अगर हमारे किसान एकता का ट्रैक्टर रैली निकालते हैं तो सरकार को उनके ऊपर फूल बरसाने चाहिए, जैसे कि राजपथ पे बरसते थे। किसान एकता, किसान एकता, अरे हम सर जय किसान। हम सरकार से कहते हैं प्यार से, जैसे कानून उन्होंने चला उनका भी सम्मान रह जाएगा। मेरी और 67 वर्ष के हैं। हाँ। अच्छा, मैंने कभी नहीं देखी थी, एक बार देखी थी, हमारे टिकेल साहब आगे थे तो हमने कभी नहीं देखी। अब तक जो देखे हमने भले भले देखे, इस तरह भ्रष्ट सरकार हमने देखी नहीं, और हो सके अच्छा तक गाँव में भी ना। हाँ, आपका मन करता है कि आप जा करके जो परेड चलता है आप आंखों से लाइव देखें वहाँ पे? मैं बिल्कुल देखूंगा, नहीं मैं लाइव में करूँगा। और सुनो, मैं जो हूँ इंडिया गेट पर नहीं मिलूंगा, मैं राष्ट्रपति दफ्तर टर्मिनल है, मैं दिल्ली में जाऊँ टर्मिनल को निकल कर राष्ट्रपति के जो ढाल में गुआते है वहाँ को आऊँगा। आप पूरी परेड वरेड की तैयारी कर ली है? बिल्कुल कर ली है, बीबी बच्चों से इधर, हम तो डिलीवरी भी कर देंगे उसके वहाँ, लेकिन हम घर नहीं जाएंगे। नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम पल्ले राम। हाँ जी, कैसे देखते हैं कि मैं आता, एक सेकंड में आता हूँ आपके पास, एक सवाल है मेरा। हाँ। एक सवाल है मेरा, आप इधर थोड़ी सा बताइए, इधर मैं दिल्ली की, आप बोलिएगा बोलिए। एक सवाल है मेरा आपसे कि कैसे आप देख रहे हैं कि बार बार जो है वार्ता विफल हो जा रही है, 11वें दौर की वार्ता चल रही है, तो क्या ऐसा ही होगा क्या जैसे हर दौर की वार्ता फिर विफल हो रही है, इस बार भी हो जाएगी? देखिए, सरकार किसानों की समस्याओं का हल नहीं निकालना चाहती है। अगर हल निकालना चाहती तो 11वीं दौर का बैठक हो गया, तो किसानों की मांग पूरी क्यों नहीं हो रहा? किसान मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और कृषि मंत्री जी, किसान आपसे सूरज और चांद और आसमान नहीं मांग रहा है, आपसे वही चीज मांग रहा है जो आप लेकर आए हैं, जो बता रहे हैं कि किसानों के हित में कानून है, वही कानून कह रहा है किसान हमको कानून नहीं चाहिए। तो आप रद्द क्यों नहीं कर देते हैं? रद्द इसलिए नहीं कर देते हैं कि 40 करोड़ 50 करोड़ किसानों को फायदा नहीं पहुंचाकर दो चार चंद कर पर्यटक घरानों को और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए मोदी जी, हम यही कहेंगे कि आप अपना घमंड को तोड़िए और आप अपना घमंड को तोड़िए और ये कृषि कानून का जो बैठक हो रहा है आज किसानों की मांग पूरी कर दीजिए, नहीं तो 26 तारीख को पूरे देश के लोग पहुंचेंगे, पूरे देश के लोग पहुंचेंगे और देखिएगा लोग पीएम हाउस में भी घुसेंगे और राष्ट्रपति भवन में भी घुसेंगे। इसलिए घुसेंगे कि तुम एसी वाले कमरों में और हीटर में बैठकर आराम करोगे और देश का किसान रोड पर सड़क पर बैठेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। मोदी जी, आप किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उन पे हमला कर रहे हैं, लगातार हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान, अरे भाजपा वालों, या दिल्ली तुम्हारा बाप का नहीं है जो तुम ही इस पर बैठकर राज करोगे और खूबसूरत राजपथ और फूल बगिया और पार्क देखोगे। हमारा भी ये दिल्ली है और हम भी जाएंगे, इसलिए दिल्ली हम जा रहे हैं कि जब आंदोलन कर रहे थे हम, तो हमको तुमने कहा था आतंकवादी, अफगानिस्तानी कहा था, तो आज 26 तारीख को हम भी देशभक्ति दिखाएंगे कि कौन देशभक्त है, कौन देश से सबसे ज्यादा प्यार करता है और कौन देश के दिल्ली पहुंच रहा है। हम लोग 26 तारीख को इसलिए भी दिखाने जा रहे हैं। और लास्ट हमारा संदेश यही है मोदी जी, आपसे एक देश का युवा हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि किसान 2 महीने से धरने पे बैठा हुआ है, किसानों की मांग पूरी करिए, नहीं तो आपका बहुत दुर्गति होने वाला है, बहुत दुर्गति होने वाला है। करिए अन्य लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास, और हमारे वीडियोस को लाइक करिए जरूर से जरूर, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए आगे की हर एक अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।